और आज का दिन जो है राष्ट्रीय नया मित्र दिवस है। यह दिन जो है हर वर्ष नया मित्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आज का दिन आप लोग इस रूप में याद रखेंगे कि 19 अक्टूबर को क्या हुआ था। 19 अक्टूबर को राष्ट्रीय नया मित्र दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त आप लोगों को कुछ जीने की राह बताएंगे। हम सब लोग प्रतिदिन क्रीड़ा स्थल पर एकत्रित होते हैं। सबसे पहले हम उस ईश्वर को याद करते हैं जिसे हमने कभी देखा नहीं, सिर्फ महसूस करते हैं और उसको मानते हैं। फिर अन्य कार्यों के हम अन्य कार्यों को हम मतलब स्टार्ट करते हैं, चाहे जो भी कार्य हो। तो हमारा यहाँ एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सब लोग एकाग्र होकर के उस ईश्वर को, निरंकारी ईश्वर को याद करें और उसके द्वारा प्रदत्त की गई जो हमारे चारों तरफ पर्यावरण में दिखने वाली जो चीजें हैं, इन सबको हम अपने जीवन से जोड़ के रखें। हम इनसे जितना ज्यादा लगाव रखेंगे, ये हमें उतने ही जीने की राह में जो है हमारी सहायता करते हैं। अभी आपने देखा कई दिन तक बारिश हुई, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, बाढ़ आ गई, पानी पानी हो गए सब लोग। ये भी पर्यावरण का ही एक ऐसा आप लोग अभिशाप कह लीजिए या वरदान कह लीजिए, जिसके कारण जो है बहुत से लोगों को नुकसान हो गया। ये प्रकृति जो है हमको हमारे द्वारा किए गए उन कृत्यों का फल देती रहती है जो हम लोग अकारण करते रहते हैं। आप लोग देखिए कि चारों तरफ जो हरियाली है वो कम होती जा रही है। इसका कारण यही है कि हम सब लोग पर्यावरण को नष्ट करने पर लगे हुए हैं और पर्यावरण हमको भी एक दिन नष्ट कर देगी। तो हम लोगों का जो जीवन है इसको बनाए रखने के लिए हमें पर्यावरण को संतुलित रखना है। पर्यावरण है तो हम हैं, और पर्यावरण जिस दिन खतरे में आ जाएगा तो हम लोगों का जीवन जो है उस दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे, पेड़ पौधे, साफ सफाई, और अभी एक आने वाला पर्व है दीपावली। दीपावली में बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी पटाखे फोड़ते हैं, तो आप लोग पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जितना कम हो सके आप सभी लोग, क्योंकि जो दीपावली है ये पर्व है आपका प्रकाश उत्सव वाला, तो प्रकाश करिए, दीपक जलाइए, मोमबत्ती जलाइए और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ गए हैं उनको जलाइए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस दिन हर गांव मोहल्ले से इतने पटाखों की आवाजें आती हैं, वो कहते हैं हम किसी से कम नहीं, तो वो 10 फोड़े हैं तो हम 20 फोड़ेंगे। तो इस तरह से अगर जो सभी लोग अपने मन की मानसिकता, अपनी जो मानसिकता है उसको अगर जो हम बना लेंगे, हम उनसे ज्यादा करेंगे, तो आप सोचिए कि कितना जो है प्रदूषण होगा। और वो प्रदूषण हम अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को श्वास संबंधी बीमारियां हैं, वायु में फैली पटाखों के द्वारा निकली वो गैस धुआं, वो हम
लोगों की जो श्वास नली है और हम लोगों के जो लंग्स है, फेफड़े हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है। और जब हमारे फेफड़े ही क्षतिग्रस्त हो जाएंगे तो हम लोगों का जीवन कम हो जाएगा ना। तो हम लोगों को चाहिए कि अभी हमारा जो प्रकाश उत्सव आ रहा है दीपावली के रूप में, तो इस दिन हम लोग एक प्रतिज्ञा करेंगे कि हम लोग कम से कम, क्योंकि इस दिन बच्चों का बहुत मन होता है कि हम भी पटाखे लगाएंगे, फोड़ेंगे, तो आप सब लोग जो बड़े बच्चे हैं तो प्रॉमिस करेंगे कि हम सब लोग पटाखे नहीं फोड़ेंगे।